हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूर्या कारमपुरी, फुल टाइम ट्रेडर, ट्रेनर एंड यूट्यूबर। आप स्टॉक मार्केट में कभी आए हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डेली रेगुलरली और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कितना कमा रहे हो वही इम्पोर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, यहाँ पर हम डेली और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे कमा है और अपना माइंड साइकोलॉजी कैसे सेट करें और यहाँ पर क्या सोच के आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, और कैसे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा है, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे। सो ट्रेडर्स, मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं वहाँ पर देखिए कितना ग्रीडी हो सकता है। सो अपने आप को समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा यूट्यूबर व्यूअर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था व्हाट्सएप पर। सो उन्होंने मुझे कन्वर्सेशन किया है, उन्होंने बोला कि सर, मैं यहाँ पर लॉकडाउन के बाद मेरा जॉब चला जाने की वजह से मैं यहाँ पर शेयर मार्केट में आ चुका था, लेकिन मैंने कुछ 4-5 वीडियोस यहाँ पे देखने के बाद मैंने यहाँ पे 30,000 रुपीज से मैंने एंट्री किया हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इक्विटी स्टॉक्स और कुछ ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने बोला मुझे ऐसे ऐसे बोलने के बाद मैंने कहा कि ओके, फिर आप यहाँ पर 30,000 से आप यहाँ पे एंट्री किया है, लेकिन आपने कैसा प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। सो उन्होंने बताया कि सर, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा 30,000 का पैसा मैंने मार्केट में गवा चुका हूँ। सो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है कि आपने ऐसे पैसे गवाया है। तो उसने कहा कि यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट ऑप्शन में ही काम किया हूँ, ऑप्शन में ही यहाँ पे मैंने बाय सेल के वजह से मेरा पूरा पैसा लॉस हो चुका है। सो मैंने कहा, आपसे कोई टिप्स दिया है आपको या कॉल्स दिया है? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, मैंने कोई बंदे से मैंने कॉल्स और टिप्स लिया हूँ, उसके वजह से मेरा सारा पैसा डूब गया। सो मैंने कहा, आपको विदाउट एनी नॉलेज आप दूसरे पे कैसे भरोसे कर सकते हो? सो फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द मार्केट। आप जिसमें भी आप एंट्री कर रहे हो, मेरा कहना ये है कि आप जिसमें भी एंट्री करते हो, फर्स्ट यू नो टू लर्न अबाउट दैट। सो फर्स्ट आपको उसके बारे में जानना है, उसके बारे में पढ़ाई करना है, उसके बारे में एजुकेशन लेना है, उसके बाद ही आप एंट्री करने हैं। भले आप दूसरे पे डिपेंड हो, फिर भी आपको यहाँ पर आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। आप जितना इसके बारे में जानकारी लेंगे उतना अच्छा है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आपको एक जॉब पाने के लिए आप यहाँ पर कितने साल स्ट्रगल करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 15, मतलब यहाँ पे आपको बिना ग्रेजुएशन, अगर आप एक अच्छा ग्रेजुएशन बनते हो उसके बाद एक आपको अच्छा जॉब के लिए आप सर्च करेंगे, वो भी गारंटी नहीं है आपको 100% जॉब मिलेगा जैसे आपका एजुकेशन पूरा होता है। सो आपका 15वीं होने के बाद, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद आप सोच लीजिए आपको जॉब पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर वैसे ही मार्केट में जैसे एंट्री करते हो, 2-4 वीडियो देखते हो, उसके बाद यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके फिर अपना पैसा लूज करते हो, वो कितना सही है आप खुद को जान लीजिए। आप अपने जॉब के लिए कितना स्ट्रगल किए हो 15-20 साल। सो यहाँ पर भी आपको एजुकेशन पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लर्न करना है और कुछ बैक टेस्टिंग करना है, आपका स्ट्रेटेजी कैसे चल रहा है, आप किस बेस के हिसाब से आप स्टडी किए हो, उसका कैसे काम कर रहा है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जैसे ही आप यहाँ पे शेयर मार्केट में एंट्री करते हो, कुछ लोग क्या ग्रीडी के वजह से, मैं यहाँ पर 50,000 इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे 50,000 मिलेगा, 1,00,000 इन्वेस्ट करूँगा तो 1,00,000 मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप खुद को जान लीजिए, अपना माइंड सेट को डाइवर्ट मत कीजिए, आपको कॉन्स्टेंट रखिए। आप एक जॉब पाने के लिए कितने साल आपको गंवाना पड़ता है, तो मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाने के लिए भी आपको टाइम लगता है, ये टाइम को समझ लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है वो आपको पहले डिसाइड करने का है। अगर आपको ट्रेडर बनना है, इंट्राडे ट्रेडर बनना है, रेगुलर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पाना है, तो आपको डेफिनेटली एजुकेशन करना इम्पोर्टेंट है। सो हम यहाँ पर कुछ एजुकेशन वीडियोस भी प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो सीजी स्टॉक्स में आपको डेफिनेटली आपको कुछ फ्री ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर कुछ वीडियोस पोस्ट किया हो वो भी देख सकते हो, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे फ्री में एजुकेट किया हो वो भी देख सकते हो वीडियोस, और मैं कुछ माइंड साइकोलॉजी के बारे में भी यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाए वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करना है फ्रेंड्स,
आप जितना लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। बिना एजुकेशन का कोई भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है हर एक चीज़ को, जितना टाइम देंगे उतना आपको मनी इंक्रीज होगा। सो इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, अगर अपने आप को भरोसा है तो ही यहाँ पर एंट्री कीजिए। अपने आप को एक बार क्वेश्चन कीजिए, मिरर पे देखते हुए अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करूँगा तो डेफिनेटली आपको एजुकेशन लेना इम्पॉर्टेंट है। सो एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पर आप ट्रेडर बन सकते हो या इन्वेस्टर बन सकते हो। आपको अगर कुछ कोर्सेज सीखना है तो हमें संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा नंबर दिया हो व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले वीडियो में ऐसे नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।